अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज में कुछ क्वेश्चंस थे, उनको जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन कर देती हूँ मैं कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर हो जब आपको गिवन, तो उसको आपने कंप्यूट करना है, डिमांड हो आपको, तो किस तरह से आप कंप्यूट करेंगे। अप्रॉक्सीमेशंस में इसको जो है वो पी और पी स्टैटिक से हम फॉर्मली डिनोट कर रहे हैं। पी की वैल्यू अगर आपके पास पाई है इन पी स्टारिक इज इक्वल्स टू 22/7, तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे। पहली बात ये कि इस पे जो है ये मॉड का जो साइन है, मॉडुलस फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, ये आपके जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। और अगर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आया है तो इसने एज इट इज़ आंसर कंसीडर कर लेना है। लेकिन अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आया है, लाइक आपने मॉड जो है वो -5 का लेना है, तो इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। और अगर आप अकेला मॉड ऑफ 5 ले रहे हैं तो इट विल रिमेन 5, ठीक है। पहली बात तो इसने जो है क्या करना है, जस्ट मैग्नीट्यूड जो है उसको कंसीडर करना है, जो आपका आ रहा है आंसर के साथ साइन जो कि उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर रहा है वो आपने कंसीडर नहीं करना। मॉड का सिर्फ जो है वो ये फंक्शन है कि उसने पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव रहने देना है और नेगेटिव नंबर को उसने पॉजिटिव कर देना है। आंसर जो है वो हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ठीक है। मॉड जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम एब्सोल्यूट आंसर जो है वो डिडक्ट कर सकें। सो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमने मॉड का साइन जो है वो यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो पी माइनस पी स्टैरिक है। अब पी की वैल्यू अगर पाई है और स्टैरिक जो है वो आपका 22/7 है, तो हम एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला है वो इस पे अप्लाई कर रहे हैं। पी माइनस पी स्टैरिक, पाई की वैल्यू में से हमने 22/7 माइनस कर देना है और हमारा जो आंसर है वो इस तरह से आ रहा है 0.00। अगर इसमें आपके पास नेगेटिव आंसर आता है तो ये उसको पॉजिटिव करके बता देगा। जैसे कि रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला जो है वो पी माइनस पी स्टैरिक डिवाइडेड बाय पी, तो इसमें जो है आपका पाई माइनस 22/7 का आंसर जो है वो यही है, लेकिन उसको हम अगेन डिवाइड कर रहे हैं पाई के साथ। हेयर इज़ ऑल्सो द साइन ऑफ मॉडुलस। सो अब इसका काम जो है वो ये है, इसने आंसर देना है आपको -4.0250 इंटू 10^-4। लेकिन ये जो 10 की पावर है उसको ये पॉजिटिव नहीं करेगा, सिर्फ ये आपका आंसर जो है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, जो आपका आंसर है, टेंटेटिव आंसर है, उसको इसने जो है वो करना है पॉजिटिव। इसमें आपने जो है ये 10 की पावर को माइनस में जो है उसको पॉजिटिव नहीं करना। आपके आंसर के साथ जो इन्वर्टेड साइन आ रहा है माइनस का, सिर्फ ये उसको पॉजिटिव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो मॉडुलस के साइन को कंप्यूट करना है। नेक्स्ट आपको अगेन यही जो है वो क्वेश्चन एक और गिवन है, जिसमें पी की वैल्यू पाई है और पी स्टैरिक 3.1416 है 22/7 की जगह, तो उसमें आपने जो है वो एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर को अगेन उन्हीं टेक्निक्स के साथ जो है अप्लाई करना है। यहाँ पर भी इसके साथ मॉडुलस का साइन यूज़ होगा, जैसे यहाँ पर हमें फॉर्मूला में यूज़ करना है। और अगर इसका आंसर आपके पास जो है वो नेगेटिव आता है तो ये उसको सिंपल पॉजिटिव कर देगा, एंड दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। उसके बाद है इंटरवल, अगर हमने फाइंड करना हो तो हम इंटरवल फाइंडिंग किस तरह से करते हैं। हमने जो है क्वेश्चन एक गिवन है कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटरवल इन विच पी स्टैरिक मस्ट लाई टू अप्रॉक्सीमेट स्केयर रूट ऑफ 2। स्केयर रूट ऑफ 2 को हमने अप्रॉक्सीमेट करना है और हमने एक इंटरवल फाइंड करना है जिसके अंदर पी स्टैरिक जो है वो लाई कर रहा है विद द रिलेटिव एरर एट द मोस्ट 10^-5 फॉर ईच वैल्यू ऑफ पी। एरर जो है वो 10^-5 है और ये एरर जो है वो रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर के फॉर्मूले को आप एक दफ़ा जो है वो दोबारा से देख लें, पी माइनस पी स्टैरिक डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ पी। सो अब यहाँ पर जो है हम मॉडुलस का साइन अगेन यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव एरर को डिफाइन करने के लिए। हमारे पास पी जो है वो स्केयर रूट 2 है और पी स्टैरिक जो है वो हमें अभी नहीं पता, हमने वो इंटरवल के थ्रू जो है उसको फाइंड करना है और इसको हमने अप्रॉक्सीमेट करना है स्केयर रूट 2 को। तो हम इसमें वैल्यू जो है वो पुट करेंगे सिंपली और आंसर जो है वो डिटरमिन करने की ट्राई करते हैं। हमारा जो रिलेटिव एरर है वो हम कह रहे हैं कि <10^-5 है। ये वाला स्केयर रूट 2 जो है वो चला जाएगा आपके राइट साइड के ऊपर और हम इस इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करेंगे। ऑल दो इट्स नॉट अ इक्वेशन, इट्स एन इनइक्वालिटी, क्योंकि हमने इंटरवल फाइंड करना है तो इसके लिए हम इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे।
एनी हाउ अब ये वाला जो पोर्शन है आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे, और ये जो है आपका स्केयर रूट टू, एक दफ़ा आप पॉजिटिव के साथ लेंगे और एक दफ़ा आप नेगेटिव के साथ लेंगे, ठीक है। स्केयर रूट टू को एक दफ़ा आपने पॉजिटिव के साथ डील करना है और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, टू मेक द इंटरवल, ठीक है। अब आपने जो है वो माइनस वाला जो स्केयर रूट टू है वो यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर जो पॉजिटिव स्केयर रूट था वो कंसीडर कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पर जो बैलेंस करने के लिए, आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको माइनस कर देना है, स्केयर रूट टू जो है उसको आपने माइनस कर देना है दोनों साइड्स पर। ये वाला स्केयर रूट टू जो है हम बोथ साइड्स पर ले जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस हो रहा है तो जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमने इसको जो है वो माइनस कर देना है। अब यहाँ पर जो है आप देखिए कि जब हम इसको ले गए हैं, ये पॉजिटिव साइन था, इसके साथ हमने इधर भी जो है वो इसको माइनस कर दिया है, तो ये माइनस पी स्टेरिक जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ रहा है, और ये हमने लेस देन एंड इक्वल्स टू का इंटरवल यहाँ यूज़ किया। लेकिन जैसे ही हम ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो ग्रेटर में जो चेंज कर दिया, और हमने जो नेगेटिव को पॉजिटिव किया है, ये माइनस जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स के ऊपर। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको पॉजिटिव किया है, तो यहाँ पर जो माइनस में जो भी आपकी वैल्यूज़ थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, और ये जो है आपका इंटरवल भी चेंज हो जाएगा। अगेन हमने क्या करना है, अगेन हमने ये करना है कि हमने ये वाली वैल्यू जो है स्केयर रूट टू नेगेटिव वाली वो हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, और एक जो वैल्यू है वो हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। यानी हमने, क्योंकि हमारा इंटरवल जो है, अगर हम इंटरवल की बात करें तो एक नंबर लाइन को हम कंसीडर करें, ठीक है, तो नंबर लाइन में आपके पास लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव थी, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव थी, हमारा इंटरवल जो था वो कह लें ओपोजिट हो रहा था। डैट्स वाई हमने क्या किया है कि हमने इस वाले स्केयर रूट माइनस टू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया और लेफ्ट वाले को इधर शिफ्ट कर दिया, और इन अदर वर्ड्स वी हैव चेंज द साइन ऑफ द वैल्यूज़ गिवन हेयर। हमने इनका जो साइन है जस्ट उसको चेंज कर दिया, अगेन हमने साइन चेंज किया टू मेक दिस पैटर्न, ताकि हम एक जो है वो एक्यूरेट वर्क पे, एक एक्यूरेट जो है वो अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कर सकें। तो हमने इस चीज़ को, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने इनके साइंस जो हैं वो चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद अगेन आपका इंटरवल जो है वो चेंज हो गया, जो हमने पहले इंटरवल किया था वो वही इंटरवल जो है उसमें आ गया। सो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है आपका, यहाँ पे आप देखें इसमें जो है आ रहा है दिस इंटरवल कैन बी रिटन इन द डेसिमल नोटेशंस। आपने स्केयर रूट टू को जब हम ओपन करेंगे तो डेसिमल नोटेशंस के साथ आप इस इंटरवल को लिख सकते हैं कि इस तरह से जो है ये इंटरवल आपका फाइंड हो रहा है फॉर द पी स्टैरिक, ठीक है। पी स्टैरिक की दो वैल्यूज जो है वो इसमें आ रही हैं इन द इंटरवल। उसके बाद आपके पास राउंडिंग अरिथमेटिक का एक ऑपरेशन है। राउंडिंग अरिथमेटिक में आप क्या करते हैं, इसमें आपने राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि यूज़ थ्री डिजिट राउंडिंग अरिथमेटिक टू परफॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेशंस, और इसमें आपने एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर जो है विद द एग्जैक्ट वैल्यू वो भी डिटरमिन करना है एटलीस्ट फाइव डिजिट्स का। अब हमें जो दो वैल्यूज़ गिवन थी 133 प्लस 0.921, इसको अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करें 133 प्लस 0.921 तो वो आता है 133.921, ठीक है जी। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए हमने क्या करना है, अपने इस आंसर को जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इस आंसर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक पैटर्न ये है कि आपने जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और दूसरा पैटर्न ये है कि जो आपको वैल्यू गिवन थी विदाउट डेसिमल आप उसको डेसिमल करके देन आपने डेसिमल वैल्यू उसके साथ उसको जो है वो प्लस कर देना है। अब हमारे पास जो पॉइंट में वैल्यू गिवन है 133.921, इसको हमने राउंड ऑफ किया अप टू थ्री डिजिट्स, ठीक है जी। इसको थ्री डिजिट का उन्होंने जो हमसे डिमांड किया था क्वेश्चन के अंदर, थ्री डिजिट राउंड ऑफ करना था, तो हमने थ्री डिजिट के लिए ये वाला जो पॉइंट है उसको हम स्टार्टिंग में ले आए हैं, और ये 10^3 हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को इधर लेकर जाती तो 10^-3 होता। सो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव पावर के साथ जो है वो आ रहा है, और हमने इसको भी थ्री डिजिट्स तक जो है वो राउंड ऑफ करना है।
0.133 × 10³ और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी पावर इसकी हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो आंसर है वो 133 आएगा। एब्सोल्यूट एरर जो है वो अब हम डिटरमिन करते हैं, एक आपकी एग्जैक्ट वैल्यू और दूसरी आपकी जो है वो राउंड ऑफ वैल्यू में से हमने उसको माइनस करना है, और रिलेटिव एरर जो है वो अगेन उसका फॉर्मूला हम करेंगे कि एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू माइनस राउंड ऑफ वैल्यू डिटरमिन बाय एग्जैक्ट वैल्यू। तो उसको जो है हमने सिंपल ये कैलकुलेशंस करके अपना आंसर जो है वो डिटरमिन कर लेना। और ये आंसर जो है क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर इतना ही आएगा, लेकिन वहाँ पे 5 डिजिट्स का पूछा हुआ है तो इसलिए जब इसको करेंगे तो ये अप टू 5 डिजिट्स जो है वो हमने मेंशन करना होगा। उसके बाद है आपके पास चॉपिंग एंड राउंडिंग। चॉपिंग में आप क्या करते हैं, जो आपका आंसर आता है आपको जितने डिजिट्स तक चॉप करने का कहा जाता है आप उतने डिजिट्स तक चॉप करके उसको ट्रंकेट कर देते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं वो कंसीडर नहीं करते। और राउंड के अंदर अगर आपके पास वैल्यूज़ जो है वो राउंडिंग में आती हैं तो आप उसको एज इट इज़ राउंड ऑफ कर देते हैं। अब जैसे 17/15 जैसे हम एक एलसीएम का जो है प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एग्जैक्ट उसका आंसर जो 17/15 था उसको डिवाइड किया तो 1.333 आपका आंसर आ रहा है। 3 डिजिट राउंडिंग जो है हमने सॉरी 3 डिजिट चॉपिंग जो है हम सबसे पहले करेंगे। हमने क्या करना है, पॉइंट वैल्यूज को कंसीडर करते हुए 1.13 ये हमारे जो है 3 डिजिट्स की चॉपिंग है, ठीक है। हमने 3 डिजिट्स जो है वो कंसीडर किए हैं, और 3 डिजिट राउंडिंग जो है वो भी यही है कि आपने 3 डिजिट्स तक जो है वो उसको राउंड करना है, तो ये 1.13 ही इसका आ रहा है, क्योंकि अगर ये वैल्यू 3 से ज़्यादा या अबव 5 होती तो हम इसको मज़ीद राउंड ऑफ कर लेते, लेकिन ये राउंड ऑफ नहीं है, इट्स द राउंडिंग। सो राउंडिंग के लिए जितने वैल्यूज़ आपको गिवन है आपने वहाँ तक जो है वो उसको ट्रंकेट कर देना है। तो सिंपल आपका जो है वो ये चॉपिंग और राउंडिंग का आंसर इन दिस केस इज़ सिमिलर। थैंक यू सो मच।